हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल लाइफ दो गुना। मैं हूँ, ठीक है ना, और ये है रवि। बिल्कुल दोस्तों, ये ठीक है ना बहुत करता है, इसलिए आज से हमने इसका नाम ठीक है ना ही रख दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आज टेबल पे दो ब्रांड एक साथ रखे हुए हैं, तो इसका मतलब आज होने वाला है कंपैरिजन की। आज होने वाला है कंपैरिजन की जंग। बिल्कुल ठीक है, तो ये दो रम हमें यहाँ पे हमें मिली थी और हमने सोचा क्यों ना इन दोनों से स्टार्ट करें, सर्दी की कंपैरिजन। बिल्कुल, सर्दी कंपैरिजन दो एक बढ़िया ब्रांड के साथ। बिल्कुल, हमें दोनों पसंद आई थी, किसी में कोई कमी लगी थी, किसी में हमें प्राइस ऊपर नीचे लगा था। आज देखेंगे क्या ये एक दूसरे से अगर इन दोनों को हम लड़वाएं तो ये जीत पाता कौन है, कौन जीतता है ना। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देरी ना किए हुए। चलो भाई, अमृत पोर्ट करो। चलो मैं अमृत करता हूँ, आप एरिस्टोक्रेट डालो। बॉटल्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं, कंपनी की हिस्ट्री पहले ही आपको बता चुके हैं, थोड़ा और हिस्ट्री ब्रीफ करेंगे तो आप समझ चुके होगी। ठंड इतनी हो रखी है, हम बोतल पी गए हैं। बिल्कुल, और बोतल थोड़ी थोड़ी बची है। तो एक बार ये दोनों ग्लास है अमृत के, ठीक है। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हो, ये दोनों ग्लास अमृत के हैं, कलर ही डिफरेंट है। कलर ही डिफरेंट है दोस्तों, और ये दोनों एरिस्टोक्रेट पहन मतलब चढ़गी खुशबू से चढ़गी है, तेरी चढ़गी है। चलो चलो एक बार फिर से बता देते हैं, ये दोनों अमृत हैं, ठीक है, ओल्ड पोर्ट, और ये है एरिस्टोक्रेट, ठीक है। बिल्कुल, हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं, अमृत से करें, अमृत से कर देते हैं भाई। कलर आ जाओ यार, कलर वही है जो लास्ट टाइम बताया था, कॉपर ब्राइट। बिल्कुल ठीक है, ब्राइट कॉपर कलर है इसका, ठीक है, कॉपर जैसा। मैं आपको अगर सही कंपैरिजन दूं तो हमारे घर पे कॉपर की तारें आती हैं जिनको हम छीलते हैं, बिल्कुल लिटरली वैसा कलर है ना। बिल्कुल, तो लूजिंग करें। बिल्कुल, प्लेजेंट है, प्लेजेंट है, वही थोड़ा बहुत वनीला का जो ऑलवेज आता है इसमें, वनीला पता चलता है बहुत ऑब्वियसली, बहुत अच्छी तरह पता चलता है इसके अंदर। वनीला के साथ साथ आप इसको थोड़ा सा क्रीमी, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था, पता चलेगा इसका डिटेल्ड। अगर अच्छे से अगर आपको वीडियो देखना है, सारी चीजें देखनी है, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देखना, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा जो मोटा मोटा चीजें हैं कंपैरिजन वाली, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो कंपैरिजन में टेस्ट का ही होता है कि किसका टेस्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है, तो वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। बिल्कुल, तो नोजिंग में तो ये ठीक ठाक लगी, एक बार इसकी नोजिंग करें क्या? हाँ कर लेते हैं। चलो, ये एरिस्टोक्रेट है, कलर इसका बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी शीशे में खून निकाल देते हो। हाँ, थोड़ा बिल्कुल रेड वाइन का भी डार्क कलर है। बिल्कुल रेड वाइन का भी डार्क, उसका जो रेड और ब्राउन वाला होता है ना, हाँ बिल्कुल डार्क ब्राउन वाला कलर है। और मेरे को ये वाला कलर, मेरे को इसके रम के अंदर मेरे को पसंद है ये वाला कलर। चलो नोजिंग करता है, क्योंकि इसके अंदर पता है क्या फायदा होता है, इसके अंदर कोक डालोगे ना पता नहीं लगेगा। उसके अंदर आप कोक डालोगे ना, हल्का सा विस्की का वो दे देगी, लेकिन इसके अंदर कोक डालोगे आपको पता नहीं लगेगा। चलो तो नोजिंग करें। नोजिंग ओल्ड पोर्ट ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बेटर है, ये नोज में जाते के साथ ही नोज के टच करेगी ना, आपको मिठास फील हो जाएगी, मिठास फील होगी और कुछ माल ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। और लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है कि ओल्ड पोर्ट के अंदर ज्यादा अच्छी स्मेल क्यों है, नोजिंग ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि वो डबल ओक चार्ज बैरल के अंदर वो मैच्योर करी जाती है, इसके अंदर ऑलरेडी काफी सारी विस्कीज बन चुकी होती है। एग्जैक्टली, पहले से एक विस्की उसमें ऑलरेडी मैच्योर करा देते हैं उन कास्क में, फिर उसके बाद वो कास्क को फेंकने के बजाय उनमें भर दी जाती है ये। ठीक है, अमृत वाले जो है ना, ठीक है मैं हूँ, अमृत वाले जो तरीका निकालते हैं ना, नए तरीके अपनी विस्की को मैच्योर कराने के, कंपनी इतनी पुरानी हो गई यार, इनको पता है, एक्सपर्ट हो चुके हैं ये इंडिया में। हाँ। ठीक है, जो कहते हैं ना, हमने बताया था कि ये जिस नासिक वाले रीजन में तो ये दादा है ये। ठीक है, तो चलो और देरी ना करते हुए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो अमृत से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चीयर्स। इसी मैंने कहा था ये एक पैसा वसूल रम है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, अरोमा बहुत अच्छे हैं, कुछ नटी वगैरह क्या कौन सा था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, आपको पिस्ताशियो और yes. मूंगफली वाला जो मैंने बताया था वो फील हो जाएगा इसमें, वो फील हो जाएगा इसके अंदर। क्रीमी है टेक्सचर इसका, जीप पे रखोगे एकदम फिसलने वाला जो टेक्सचर है इसका। बिल्कुल ठीक है, अच्छा टेक्सचर है, मतलब कि मजा आता है, मजा आएगा, हल्का सा मजा आ रहा है ना। एरिस्टोक्रेट लो, चलो एक ना रुको, थोड़ा सा पानी लेते हैं, पानी दोनों में बाद में डाल लेंगे। नहीं, पहले पैलेट को साफ कर लें। ओके, मेरा तो हो गया, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है भाई, तू ले ले।
नहीं मेरे मुंह में पानी है। वो कहते हैं ना इसके चियो तो अपने तो मुंह में पानी इतना आ जाता है। चलो जी चेयर्स। चेयर्स। और एज कंपेयर उसकी नोजिंग बेटर थी ये, लेकिन ये स्मूथ है। ये मैं कहना चाह रहा था कि नोजिंग उसकी बेटर है लेकिन स्मूथनेस के बारे में ये बाजी मार गया। Exactly. कॉम्प्लेक्सिटी आपको थोड़ी बहुत इससे मिल जाएंगी। हाँ। दो तीन चीजें पता चल जाएंगी आपको। थोड़ा सा टेक्सचर इसका स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है, स्मूथ नहीं बोलूंगा एक तरीके से। और थोड़ा सा आपको स्पाइसेस भी इसमें पता चल जाएंगे। बट अगर आपको मीठी और स्मूथ चाहिए तो उसमें तो एरिस्टोक्रेट, मतलब कि जो क्रीमी टेक्सचर होता है ना इसका बहुत अच्छा है। आइसक्रीम वनीला का जो फ्लेवर होता है वो स्मेल में नहीं आ रहा, मतलब कि वो पीने में भी आ रहा है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। ठीक है। और ये वाली मैं अगर आपको बोलूँ ना, मैं सोच रहा हूँ अपना तरीके का एक क्रीम आइसक्रीम से रिलेटेड एक कॉकटेल बनाने की सोच रहा हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली ना रम ओल्ड पोर्ट उसमें करेंगे। देख मेरे को लग रहा है इसका जो वनीला और जो क्रीमीनेस जो आ रही है ना इसमें वो बैलेंस करेगी। तो मेरे को लग रहा है नए आने वाले साल में बहुत कुछ अलग होने वाला है। नए साल में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, है ना। ठीक है, हम हिंदुस्तानी ना, हम हिंदुस्तानी हम कहते दारू की वानी। चलो तो पानी डाल के ट्राई करेंगे। कर ले भाई, आपके मुंह में पानी आ रहा तो पानी डालेगा ही नहीं। हो बिल्कुल श्रद्धा से दे रहा है भाई आज तो वानी बिल्कुल। ऐसे ऐसे करके डेडिकेटेडली अगेन कलर पे हल्का सा फर्क आया है। कलर हल्का फर्क आया, कलर अब स्कॉच वाला हल्का हल्का स्कॉच पे आने लगा है कलर। ठीक है, अभी थोड़ा सा डार्क है स्कॉच के मुकाबले में, बट हल्का सा फर्क आया है। जो जो इंडियन वो होती है ना ग्रीन स्प्रिट्स वाली जितनी भी विस्कीज होती है वाला कलर आ चुका है। हाँ, अब रम का कलर ये छोड़ चुकी है, अब विस्की की तरफ मूव करने लग गई है। हाँ, नोजिंग है? बिल्कुल मेलो हो गई है। पहले नोजिंग बेटर थी, नोजिंग जो थोड़े बहुत पता चल रहे थे खत्म हो चुके हैं। हाँ, चीयर्स। स्मूथ हो गई है, स्मूथ हो गई है, बट काफी चीजें दब भी गई हैं, काफी चीजें दब गई हैं और अपने फ्लेवर को थोड़ा सा बढ़ा रही है, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी है। पानी डाल के भी आप पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, प्रोफाइल पता चलेगा, मजा आएगा आपको पीने में। थोड़ा सा इसमें आपको स्पाइसीनेस फील हो जाएगा पानी के बाद। हाँ, ठीक है, और इलायची टाइप बिल्कुल। और मैं कहूंगा ये जो दोनों रम है ना, ये कंपेरिजन इसलिए रखा गया है जो थोड़ा विस्की लवर्स है ना और जो रम पे कभी कभी आते हैं, ओल्ड पोर्ट इज द बेस्ट फॉर। और जो टिपिकली रम प्लेयर्स है ना जो रम पे ही खेलते हैं हमेशा, एरिस्टोक्रेट इज अ चैंपियन हो गया। थोड़ा स्मूथ हो जाती है क्योंकि देखो रम ऐसी है कि आप उसको ना नीट बहुत कम पी पाते हो, या तो बहुत हाई लेवल की रम आपको खरीदनी पड़ेगी 1200-1300 रुपए की रेंज के ऊपर से, तब आपको थोड़ी एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर मिलता है। बट ये एक ऐसी है कि आपको अंडर बजट भी एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर दे रही है। आगे चलते हैं, ये है अब हमारे पास एरिस्टोक्रेट पानी के साथ। ठीक है, कलर अभी भी मेरे को वैसे ही लग रहा है बिल्कुल ना के बराबर ही आया, चेंजेस आया है बिल्कुल। अभी भी डार्क ब्राउन कलर है, अच्छा कलर है। ठीक है, नोजिंग, नोजिंग में तो कुछ बचा ही नहीं, वैसे तो खत्म, मामला खत्म हो गई, नोजिंग खत्म हो चुकी है इसकी। चलो चीयर्स। चीयर्स। मैंने कहा ना जो टिपिकली रम प्लेयर्स है ना उनको पसंद आएगी, बट ये ना अब थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कड़वाहट फील हो रही है मेरे को, कड़वाहट फील हो रही है, लेकिन मेरे को वो चीज पसंद है। मैंने अपने वीडियो में भी कहा था वो चीज मेरे को पसंद है। वो कड़वाहट जब आती है ना तो वो रम का फ्लेवर देती हुई जाती है, क्योंकि इसके बाद में जो वनीला का टच आता है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, एक चीज और जैसे कि बताया था इसमें जो वनीला है कंपेयर टू इस वाले अमृत ओल्ड पोर्ट के मुकाबले, इसका वनीला का जो एसेंस है वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब उतना ज्यादा ओवरपावर नहीं करता, बाकी सबको बैलेंस चलता है, तो इस वजह से ये शायद ज्यादा स्मूथ भी लगती है और ज्यादा फील भी अच्छा दे देती है। और मेरे को लगता है उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि वो जहाँ पे बैरल हो रही है, मैच्योर्ड हो रही है, किस चीज के अंदर हो रही है, वो अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहते इस चीज की। एग्जैक्टली, थोड़ा रम का वो डाल रहे हैं उसके अंदर, रम बना रहे हैं, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते। ठीक है, तो ये था हमारा रिव्यू भाई लोगों दोनों का, मैंने बता दिया जो विस्की लवर्स हैं और जो कभी 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 रम पे आते हैं, गो फॉर ओल्ड पोर्ट। जो टिपिकली रम लवर्स हैं जो हमेशा रम पीना पसंद करते हैं, ओल्ड मॉन्क के अलावा अगर वो किसी और पे जाना चाहते हैं, कहते हैं ओल्ड मॉन्क की तो बात ही अलग है, वो इस पे आ सकते हैं। एक बार टेस्ट करके जरूर देखिएगा कि आपका एरिस्टोक्रेट कैसे लगे, मेरे को तो बहुत पसंद आई।
कॉकटेल्स अच्छे बन सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से थोड़ी सी शुगर हैवी है, थोड़ी सी मिठास इसमें ज्यादा है, तो कॉकटेल्स और अच्छे निखर के आएंगे इसमें। और मेरे को लगता है क्योंकि थोड़ी सी कम मैच्योर्ड हुई है, ठीक है, तो इस वजह से इसका कलर और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मिठास की तरफ ज्यादा है, ठीक है। और मैं भी यही कहूंगा जो राहुल ने बोला है, अगर आपको स्मूथ और मीठी पसंद है तो गो फॉर एरिस्टोक्रेट, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी टेस्ट चाहिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए आपको अपने बजट में, तो गो फॉर दिस। आपको स्पाइसेस भी पता चलेंगे, आपको क्रीमीनेस भी पता चलेगी, वनीला भी अच्छा दिखेगा आपको इस, बिल्कुल, है ना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके साथ कौन सा चखना अच्छा लगेगा, तो उसके लिए हमारे इनके पूरे वीडियो देखिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जाके हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसके अंदर आपको और भी सारे वीडियो मिलेंगे, साथ में इन दोनों का फुल रिव्यू वीडियो भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आनी पड़ेगी कि क्या है, कैसा टेस्ट है, कैसे ट्रिप फाइल है, और चखना कैसे जाता है। सबसे बढ़िया बेस्ट पार्ट है चखना, बिल्कुल, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आज का ये रिव्यू, आज का ये कंपैरिजन यहीं खत्म करेंगे, और जल्दी मिलेंगे एक नए कंपैरिजन के वीडियो में। तब तक के लिए मेरी और राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से, चेयर्स।